दोस्तों ये रिश्ता क्या कहलाता है के एपिसोड में दादी सा चारू को ब्लैकमेल कर रही हैं। जी हाँ दोस्तों, चारू को दादी सा ने कहा है कि अगर वो चुपचाप अरमान और रूही के रिश्ते को सपोर्ट करेगी तो वो देव और चारू के रिश्ते के बारे में भी सोचेंगी। वहीं चारू जो कि देव शिखावत को प्यार करती है, देव को पाने के लिए ये सब भी करने के लिए तैयार हो गई। ये रिश्ता क्या कहलाता है कि आने वाले एपिसोड में चारू को ये पता चलेगा कि अभीरा के साथ नाइंसाफी हो रही है। जी हाँ दोस्तों, चारू ये जान जाएगी कि दादी सा जानबूझकर अभीरा के साथ नाइंसाफी कर रही हैं, लेकिन वो चाह कर भी सीधे सीधे अरमान को ये सब चीजें नहीं बता सकती क्योंकि दादी सा ने धमकी दी है। इसीलिए चारू एक पेपर पे सब लिखकर अरमान को देने की सोच रही है। ये लेटर लिखकर चारू अरमान को देने वाली है जिसमें अभीरा की मजबूरी के बारे में उसने सब कुछ लिखा होगा। इस लेटर में चारू लिखेगी कि कैसे दादी सा अभीरा के भोलेपन का फायदा उठा रही, और ये लेटर अरमान को शादी के कुछ टाइम पहले ही मिलेगा, जिसे पढ़ने के बाद अरमान को अभीरा पर दया आने लगेगी। लेकिन अरमान क्या फैसला करता है ये तो वक्त ही बताएगा। क्या वो अभीरा को दर दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ देगा या फिर उसका हाथ थाम कर उससे शादी करेगा। वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में बताएं, और ये रिश्ता क्या कहलाता है इससे जुड़े अन्य अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक करें।